इतनी इंस्पायर्ड है फिल्मों से, ये तूने मुझे नहीं बताया। रेवलेशन ही मुझे बाद में बताना। तो इन्होंने मुझे अंडर वाटर लेके गए और इन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था। समथिंग एंड वॉचिंग द फनीएस्ट एंड द फनीएस्ट ऑफ मूवीज, नॉट फनी मूवी बट सीरियस मूवी जो फनी हो जाती है, एंड सम इंटरव्यूज वेयर वी कैन लाफ रैंडम लोगों के देख के, ये हमारा लोगों को हम ट्रोलर्स नहीं है लेकिन। अब हाउस कीज, बिकॉज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, करण भले ही भूल, अगर करण भूल गया तो हमें तो भारी खाने बनाने पड़ेंगे या खाने खाने पड़ेंगे। ओहो हाँ, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई एम सुरभि चांदना। आई एम करण शर्मा। एंड यू वॉचिंग अस ऑन माया मूवी। वेल लेट्स प्ले क्विक रैपिड फायर। सो व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हैव एवर डन? तू बोल, तू तो बहुत करता है। रोमांटिक आई हैव डन फॉर हर, दैट शी विल से ना। नो, इवन आई हैव डन फॉर यू। हां, रोमांटिक थिंग, शी टेक्स केयर ऑफ मी एवरी डे। मतलब देयर इज नॉट वन मोमेंट ऐसा है कि जो रोमांटिक था, बाकी सब डल था। एवरी डे शी टेक्स केयर ऑफ मी, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शी विल टेक केयर ऑफ माय हेल्थ प्रॉपरली। तो मुझे आगे रख के खुद को बैक सीट रखना इज रोमांटिक फॉर मी। सो दैट इज नॉट वन मोमेंट, बट ये रूटीन में ही रोमांस चलता है। बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स रहे हैं। ऑफ कोर्स रीसेंट रोमांटिक है टू प्लान द एंटायर वेडिंग फॉर माय फैमिली, आर फैमिलीज। एक हम बीच डेस्टिनेशन गए थे, सबसे यूनिक उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था अंडर वाटर। हम एक हां यू रिमेंबर दैट प्लेस वी वेंट टू? आई रिमेंबर द मूवी आल्सो जिसने मैंने चुराया था वो आईडिया। ये इतनी इंस्पायर्ड है फिल्मों से, ये तूने मुझे नहीं बताया। रेवलेशन ही मुझे बाद में बताना। तो इन्होंने मुझे अंडर वाटर लेके गए और इन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था, अ टेनिस ब्रेसलेट। स्नॉर्कलिंग कर रहे थे हम और वहां पे मैंने उन्हें गिफ्ट दिया था। या सो स्वीट। व्हाट्स योर फेवरेट लव सॉन्ग? लव सॉन्ग मुझे ना जगजीत सिंह जी के सारे कजन्स बहुत पसंद है। लव बेबी, हाँ वहाँ पे भी प्यार का जिक्र बहुत। हाँ ठीक है। नहीं मेरे को, मैं आई एम अ बिग फैन यू नो ऑफ सूफी गजल्स एवरीथिंग, तो मेरे को बस वो जॉनर बहुत अच्छा लगता है। गाना बोल तेरा लव, मैं बताती हूँ। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, करण यू हैव पकाउड मी विद दैट सॉन्ग। नहाते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, मेरे फेजेस आते हैं तो मुझे हर दो तीन महीने में कोई एक सॉन्ग पसंद आ जाता है। Okay. वो ये गाना अभी चल रहा है, अभी okay. ये पका डालेगा, जब तक हम लोग पक नहीं जाएं और उसको हिट ना करे गाने को तब तक ही नहीं। अभी का फेस तो वो कहानी सुनो चल रहा है। वो कहानी सुनो तो है, वो मेरी आवाज वाला। हाँ, पर ये वाला भी साथ चल रहा है, वो तो रहेगा ही। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ द परफेक्ट डेट? डेट मी एंड हर ऑन द बेड मंचिंग ऑन समथिंग एंड वॉचिंग द फनीएस्ट एंड द फनीएस्ट ऑफ मूवीज, नॉट फनी मूवी बट सीरियस मूवी जो फनी हो जाती है, and some interviews where we can laugh random लोगों के देख के, ये हमारा लोगों को हम ट्रोलर्स नहीं है लेकिन। इतने सारे किरदार इन्होंने निभाए, लोगों को एंटरटेन किया है, कोई आपका पसंदीदा किरदार? कबूल है से हया। ओके, फेवरेट क्यूजीन करंटली? करण की ही लाइक्स एशियन सुशी जापानी, सॉरी जो भी होता है, कोरियन जापानी, कोरियन नहीं होता। ओके, वन थिंग यू बोथ लव्ड अबाउट मुंबई? लव वी हम, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ यार बॉम्बे की। आप कहाँ के हो? देहरादून। मैं मुंबई का ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बट लव अबाउट मुंबई दैट आप 4 बजे भी यहाँ पे ड्राइव करके निकलने का सोच सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो। तो दैट इज वन थिंग आई, द मुंबई हैज गिवन मी अ लॉट, सो आई लव मुंबई। ओके, लास्टली वन थ्री थिंग्स यू कैन नेवर लीव योर हाउस विदाउट? नाउ करण होपफुली, सेकेंड अब हाउस कीज, बिकॉज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, करण भले ही भूल, अगर करण भूल गया तो हमें तो भारी खाने बनाने पड़ेंगे या खाने खाने पड़ेंगे। ओहो हाँ, और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। द न्यू हाउस वेयर वी आर लिविंग। तीसरा यार वो तो नहीं, फ़ोन तो चलो ठीक है। हाँ फोन फॉर मी, हाँ, and her of course, and the third thing will be phone, I think, yeah.